हमने चैनल अनबॉक्सिंग को आपके लिए लेकर आ गए एक और रिमोट कंट्रोल बुगाटी डिजाइन के अंदर आने वाली एक और सी स्पोर्ट्स कार डिजाइन के अंदर लेकर आए हैं। देखते हैं इसके अंदर में 3D लाइट्स मिलती है, क्योंकि देखने में एक 3D लाइट्स कार जैसा इसका हमें ऊपर का डिजाइन मिलता है, पर देखने में हमारी मॉडल कार है बुगाटी कार डिजाइन के साथ। और चलिए जल्दी से इसको कर लेते हैं अनबॉक्स, और हमें बाहर से दिखने को मिल जाती है, इसके साथ हमें सेल्स भी मिल जाती है इसके बॉक्स में ही। तो चलिए जल्दी से मैं इसके बॉक्स को करता हूँ ओपन, और जब तक आपने हमारे चैनल डबल बॉक्स में सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल डबल बॉक्स में सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस करके दबा दें, जिससे आपको ऐसे नए नए टॉय हम अपने चैनल पर आते हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को एक लाइक कर दें एंड कमेंट करके बताएं। तो देख सकते हैं आप कार एंड रिमोट, और हमें इसके साथ बैटरी मिल जाती है बहुत सारी जितनी हमारी कार में लगने वाली है। देख सकते हैं 4 सेल और 1 सेल 5 सेल हम इसके साथ देखने को मिल जाती है। चलिए इसमें हमें 5 सेल देखने को मिलती है, वो बाहर से हमें 5 सेल देखने को मिल गई थी, और एक 2 बटनों वाला रिमोट देखने को मिल जाता है छोटा सा, जो हमारी सारी 2 चैनल वाली कार के साथ सेम रिमोट हमें देखने को मिलता है। और ये हमारी कार, करते हैं कार की बात, तो कार में ना तो कोई सीट्स देखने को मिलते हैं, अंदर के वायर देखने को मिल जाते हैं हमें, देख सकते हैं वो पूरा का पूरा पार्ट आप देख सकते हैं पीछे तक। ऐसे हमने बहुत सी कार की अनबॉक्सिंग अपने चैनल पर की है 3D लाइट्स कार की, पर उन कार का डिजाइन हमें अलग मिलता था। और ये हमारी बुगाटी डिजाइन के अंदर आप देख सकते हैं, इस डिजाइन से हमारी बुगाटी कार लगती है देखने में, और कोई फ्रंट में तो मुझे देखने को LED लाइट नहीं मिलती, ऐसी डिजाइन बना हुआ है आप देख सकते हैं, और ना बैक में कोई लाइट मिलती देखने को, और एंटीना मिलता है, एंटीना से बिल्कुल भी हमारी कार अच्छी नहीं लगती। देख सकते हैं नीचे की बात बता दूंगा, नीचे का इंपॉर्टेंट पार्ट, ये एक हमारा बैटरी कंपार्टमेंट। चलिए देख लेते हैं कितनी सेल इसके अंदर डलने वाली है, क्योंकि सेल तो हमें इसके साथ 5 सेल मिलती है, तो इसके अंदर 3 सेल डलने वाली है, मतलब 3 सेल इस कार के लिए मिलती है हमें, और 2 सेल इसके रिमोट के लिए, 5 सेल हमें इसके साथ मिलती है दोस्तों। 500 होने के बाद बॉक्स में हमें इंक्लूड मिलती है, और मैंने इसको बाय किया दोस्तों फ्लिपकार्ट से। आप इसे बाय करना चाहते हैं, इसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं। और मैंने इसको ऑरेंज कलर में मंगाया, बहुत से मल्टी कलर के अंदर इसको मिल जाता है, बहुत से मल्टी कलर में आती है हमारी कार, बहुत से मल्टी कलर में आप इसको बाय कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं जैसे ये तो बैटरी कंपार्टमेंट है, और इसके साइड दोस्तों जो साइड मिल रहे हैं वो भी हमारे प्लास्टिक के मिलते हैं, रबड़ के मिलने चाहिए थे, रबड़ के नहीं मिलते हमें, और कोई सीट्स भी नहीं मिलती, सीट्स भी होनी चाहिए थी, ना बैक में लाइट ना फ्रंट में लाइट, चलो कोई बात नहीं, हमें तो देखते हैं चलाकर कैसी इसकी स्पीड हमें मिलती है। और बहुत सी हमारी 2 फंक्शन वाली कारों में दोस्तों इसमें एक व्हील मिल जाता है वो बीच में, जो हमारी कार को खुद ही टर्न कर देता है राइट एंड लेफ्ट के अंदर हमें दोस्तों, क्योंकि रिमोट 2 ही बटन वाला है, हम बस आगे एंड इसे पीछे चला सकते हैं, राइट एंड लेफ्ट के लिए कोई बटन इसमें नहीं मिलते हैं 2 चैनल वाली कार के अंदर। और तो हमारी कार ऐसे ही देखते हैं टर्न करती है नहीं, और प्लास्टिक के इसके टायर लगे हुए हैं, प्लास्टिक के टायर मिलते हैं, कोई रबड़ भी नहीं मिलती टायर पर। और ये एक हमारा स्विच देख सकते हैं, ऑन एंड ऑफ लिखा हुआ है रेड कलर का, यहाँ से अपनी कार को इसको ऑन कर सकते हैं एंड ऑफ, वो भी सेल डालने के बाद। और इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ थोड़ी ठीक ठाक मिल जाती है, ये ब्लैक कलर का पार्ट मिलता है हमें ट्रांसपेरेंट सा थोड़ा सा, और ये ऑरेंज कलर की प्लास्टिक भी थोड़ी ठीक ठाक मिल जाए, इसका डिजाइन थोड़ा ठीक ठाक ही मिलता है। एंटीने से कार हमारी इतनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि रिमोट में एंटीना मिलता है कार में भी। और चलिए देखते हैं इसको चलाकर जल्दी से सेल डालकर सेल को निकाल लेते हैं। तो मैं इसके रिमोट के बारे में बता दूं आपको, रिमोट हमारा वही सेम फोरोडा कॉल के 2 बटन मिलते हैं, और RC रेडियो कंट्रोल लिखा मिलता है 27Z और 2 सेल इसके अंदर हमें डालनी होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए जल्दी से देखते हैं इसको ओपन करके, तो आप देख सकते हैं 2 सेल इसके अंदर हमें डालनी होगी, तो चलिए 2 सेल इसके अंदर डाल लेते हैं, और अपनी कार का बैटरी कंपार्टमेंट भी ओपन कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, इसकी सेल्स को इसके पैकेट से निकाल कर 5 सेल मिलती हैं, चलिए जल्दी से मैं निकाल कर डाल देता हूँ। तो 1 सेल तो हमने निकाली दोस्तों, तो चलिए जल्दी जल्दी फटाफट से मैं इसकी से इसकी सेल्स को निकालूँ दोस्तों। 500 में हमें सेल मिलती है, हमें कोई परेशानी नहीं होगी, हम अपनी कार को भी चला सकते हैं, बहुत सी कार के साथ हमें नहीं मिलती है। अब देख सकते हैं 4 एंड 1 5 सेल हमें इसकी देखने को मिलती, तो चलिए जल्दी से मैं 3 सेल इसके अंदर लगा देता हूँ, और देखते हैं जैसे न्यू सेल मिलती है हमें इसके साथ, देखते हैं हमारी कार वर्क करती है नहीं। तो चलिए मैं इसके स्विच को कर देता हूँ, और वाह दोस्तों इसके अंदर हमें 3D लाइट्स लगी मिल जाती है। चलिए अभी बताते हैं आपको कार के बारे में, उससे पहले डाल देते हैं हम इसके रिमोट में भी सेल फटाफट से। और दोस्तों बिल्कुल न्यू 5 सेल इसके साथ मिलती है, बहुत सी कार के साथ दोस्तों अंडर 1000 में भी होने के बावजूद भी हमें कोई भी कार के साथ सेल नहीं मिलती, पर इस कार के साथ हमें देखने को सेल मिली, तो देखते हैं हमारी कार वर्क करती है नहीं। तो इससे आगे एंड इस को पीछे चला सकते हैं, तो 2 बटन मिलते हैं यार, कनेक्टिविटी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और हमें पता लगेगा इसकी रिमोट है जो हम टेस्टिंग करने वाले हैं अनबॉक्सिंग के बाद दोस्तों। देखेंगे इसको चलाकर बाहर तो पता लगेगा इसकी स्पीड के बारे में एंड इसकी रिमोट रेंज के बारे में। और मैं बता दूं इसके अंदर लाइट्स लगी हुई हैं, 2 बल्ब मिलते हैं दोस्तों, पर ये बल्ब जब आप अंधेरे में लेकर जाएंगे तो ऐसा लगेगा पूरी बॉडी में इसके वर्क करने वाले हैं, पर दोस्तों 2 बल्ब लगे हैं रेड एंड ब्लू एंड रेड एंड ग्रीन, 2 बल्ब इसके अंदर 3 कलर देखने को हमें मतलब मिल जाते हैं। और साइज़ इसका मुझे बहुत ही बड़ा मिलता है, यानी बहुत सी कार का साइज़ हमें बहुत छोटा मिल जाता है 500 में, आप इसे बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और आप इसे अमेजोन से बाय कर सकते हैं एंड फ्लिपकार्ट से भी। और कनेक्टिविटी में तो काम ले, तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी मिलती है हमारी कार। तो चलिए इसके कर लेते हैं हम टेस्टिंग, और देखते हैं इसको चलाकर, सबसे पहले करेंगे इसकी रिमोट रेंज चेक, और फिर करते हैं इसकी बैक स्पीड भी देखने चाहेंगे, बैक स्पीड में हमें कितनी तेज़ मिलती है, और
फॉरवर्ड बैकवर्ड को ग्राइड लेफ्ट हम इसके साथ नहीं देखने को मिलता। हरा प्रीव्यू देखते हैं कितनी कैसी चलती है हमारी, देखते हैं एक बार।